Hello students, once again welcome back in my physics class of class 10. Students, मैंने अपने previous lecture में आपको refraction के बारे में जानकारी दी थी, medium, different medium क्या होते हैं वो बताया था और cause of refraction बताया था. Next topic जो मैं आज start कर रहा हूं, that is laws of refraction. जैसे आपने reflection पढ़ा था ना कि reflection क्या होता है, उसके rules क्या होते हैं, दो rules थे, तो similarly there are two rules. लेकिन उससे स्टार्ट करूं उससे पहले रिफ्लेक्शन पे शॉर्ट में रिव्यू. ये लाइट आई है, ये इंसिडेंट रे है, इसको जाना यूं चाहिए और ये यूं मुड़ गई. ठीक है, अब ये मीडियम वन है, ये मीडियम टू है. हमको आप बताइए सोच करके कि मीडियम वन और टू में कौन सा मीडियम रेयर है और कौन सा डेंस है. यस अगर आपने रिफ्लेक्शन देखा है तो बताइए मीडियम वन और टू में से कौन सा रेयर मीडियम है. यस, देखिए, क्योंकि जिस मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ आ रही है, और ये कब होता है, जब रेयर से डेंस मीडियम में आती है. तो इसका मतलब मीडियम वन क्या हो गया, योर मीडियम वन इज रेयर मीडियम और सेकेंड क्या है, डेंस मीडियम. अगर यूं जाती तो ये रेयर होता और ये डेंस मीडियम होता. राइट, कुछ चीजें, ये क्या है, ये लाइट कौन सी है, इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक, टॉपिक हमारा है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. देखिए, देयर आर टू लॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट. फर्स्ट ना क्या, देखिए स्टूडेंट्स, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल थ्री मीट इन द सेम प्लेन. कौन सा प्लेन है, जेड जेड डैश. ठीक है, तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ऑल थ्री मीट इन द सेम प्लेन और एट द सेम पॉइंट. दिस इज योर फर्स्ट लॉ. राइट, फर्स्ट लॉ क्या हो गया, सुनिएगा और लिखिएगा, मैं लिखूंगा नहीं यहां, कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल थ्री मीट इन द सेम प्लेन एट द सेम पॉइंट. दिस इज योर फर्स्ट लॉ, और ये ऑलमोस्ट वैसे ही है जैसा रिफ्लेक्शन में था, एज इट वॉज इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन. राइट, अब सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ क्या कहता है, ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो सेकेंड लॉ कहता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. आई एंड आर, जिस मीडियम से लाइट जा रही है वहां एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिस मीडियम में जा रही है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दोनों के एंगल के साइन का रेशियो, द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट. साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. हम इसको स्टेटमेंट लिख सकते हैं ना, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट. तो स्टेटमेंट में लिखेंगे और हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया, यानी साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फॉर गिवन मीडियम. मीडियम बदल जाएगा तो ये कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा, ये बदल जाएगा. साइन आई बाई, इसका कोई भी आई ले लीजिए, आई 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, उसके करेस्पॉन्डिंग आर की वैल्यू आएगी, और साइन आई बाई साइन आर जब निकालेंगे तो दैट विल रिमेन फिक्स्ड कॉन्स्टेंट एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए. हाँ, आपने मीडियम बदल दिया, मान लिया यहां पर ग्लास था, आपने उठा के वॉटर कर दिया, फर्स्ट मीडियम एयर है, सेकेंड मीडियम ग्लास था, अब फर्स्ट मीडियम एयर, सेकेंड मीडियम आपने वॉटर कर दिया,
फिर उन्हीं साइन आई और साइन आर के लिए जो वैल्यू आएगी रेशियो की वो अलग अलग आई और अलग अलग आर के लिए कांस्टेंट होगी, लेकिन वो नहीं होगी जो एयर और ग्लास के केस में थी। यानी दिस कांस्टेंट इज फिक्स्ड फॉर गिवन मीडियम, राइट? ठीक है। और इसको हम, इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू एन। एन क्या है? एन है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये कॉन्स्टेंट क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉन्स्टेंट फॉर गिवन मीडियम। यस, तो ये आपके दोनों रूल्स हो गए। और इस रूल को, सेकेंड रूल को हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। द सेकेंड लॉ ऑफ द रिफ्रैक्शन दैट इज साइन बाय साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। क्लियर? राइट? ओके, तो अभी आपको ये समझ में आ गया। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन समझ में आ गए, टू रूल्स, वन इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और सेकेंड रूल क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट फॉर गिवन मीडियम। एंड उसके बाद जो ये हो गया, सेकेंड रूल हो गया, लेकिन इसको और हमने आगे बता दिया कि कॉन्स्टेंट है क्या, ये कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसी को हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए क्विक। ओके स्टूडेंट्स, अभी मैंने देखा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, अब मैं जो बात करने जा रहा हूं, मैंने एक नया टर्म यूज किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट्स द रेशियो ऑफ साइन आई बाय साइन आर। अब मैं इसके बारे में बात करूंगा। क्या देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्टूडेंट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या भाई? आप देखो कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, तो क्या होता है, तो क्या होता है, ये बेंड हो जाती है। तो ये मीडियम की एबिलिटी नहीं है लाइट को बेंड कराने की। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू बेंड द लाइट, राइट? इन जनरल अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में मैथमेटिकल फॉर्म में बात नहीं करना चाहें, तो कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द एबिलिटी टू बेंड द लाइट, राइट? और किसकी एबिलिटी? मीडियम की एबिलिटी। क्यों? क्योंकि वही लाइट उसी एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस पर इसको वाटर जितना बेंड करता है उससे ज्यादा बेंडिंग हमारा ग्लास करता है। यानी मीडियम अलग अलग बेंड करते हैं, वाटर कम बेंड करता है, ग्लास ज्यादा बेंड करता है। तो मैंने कहा इट इज द एबिलिटी टू बेंड द लाइट, और वाटर बेंड्स लेस व्हाइल ग्लास बेंड्स मोर। तो बेंडिंग एबिलिटी किसकी ज्यादा है? बेंडिंग एबिलिटी इज मोर फॉर द ग्लास एज कंपेयर टू वॉटर, एंड देयरफॉर स्टूडेंट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मोर देन वॉटर। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ग्लास लाइट रे को वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा बेंड करता है। ज्यादा बेंड का मतलब क्या हुआ, ये देखिए ये बना हुआ है ना, यहां से लाइट ये जा रही है, अगर ये वाटर है तो ये बेंड करेगा, और अगर वाटर की जगह ग्लास ले ले तो ये वाटर में बेंडिंग ये होगी और ग्लास में बेंडिंग ये होगी। देखिए इसको जाना चाहिए स्ट्रेट, ये बेंडिंग हो रही है वाटर के साथ और ये बेंडिंग हो रही है ग्लास के साथ। यानी ग्लास क्या कर रहा है, ग्लास ज्यादा बेंड कर रहा है, एंड देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एबिलिटी टू बेंड द लाइट रे है ना, तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मोर देन व्हाट, वाटर, राइट? तो अब हम पहले तो इन जनरल डेफिनेशन जो मैंने बताई कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो समझ में आ गया होगा आपको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
इज द एबिलिटी टू बेंड द लाइट बाय द मीडियम। ठीक, अब देखो मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है। मैथमेटिकल डेफिनेशन, जैसे हमने सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बताया था कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन। ठीक है, अब एन को बोलेंगे कैसे। जैसे ये मीडियम है वन और ये मीडियम है टू, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल है और ये जेड जेड डैश दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। तो अब एन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्टूडेंट्स इसको हम और कैसे बोल सकते हैं, एन को बोल सकते हैं म्यू, ऐसे भी लिखा जा सकता है, या तो एन लिखिए या म्यू लिखिए। और इसको ऑफिशियली कैसे लिखेंगे, वी कैन राइट एन टू वन आर म्यू टू वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एन से लिखिए या म्यू से लिखिए, लेकिन इसको प्रॉपर में क्या लिखते हैं, इट इज एन टू वन। पढ़े कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको पढ़े कैसे, वन एन टू तो नहीं पढ़ेंगे, वन म्यू टू नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू सेकेंड मीडियम जो इधर होगा राइट साइड में विद रेस्पेक्ट टू मीडियम वन। इसका मतलब अगर हम एन बोल रहे हैं तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रेस्पेक्ट टू वन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रेस्पेक्ट टू मीडियम वन। अब ये देखिए ये क्या है, ग्लास, सॉरी ये है एयर और ये हो गया ग्लास। तो क्या लिखेंगे इसको, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे एन टू वन था टू वन और टू क्या है ग्लास, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू मीडियम वन, वन क्या है एयर एन जी ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, या म्यू के टर्म्स में लिखना है तो म्यू जी ए, जो भी करना हो। ठीक है, जैसे ये ग्लास है और ग्लास पड़ा हुआ है मीडियम वन कहां है, वाटर में, एक पानी के अंदर ग्लास स्लैब पड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, इंस्टेड ऑफ एयर दिस विल बी वाटर, क्यों, क्योंकि अब ग्लास है वाटर के अंदर, राइट समझ में आया। तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका ये एक्सप्लेनेशन बता दिया, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट करिएगा क्या क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा एक चीज और, अब किसी मीडियम का ग्लास वाटर का या एयर ग्लास का या एयर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो एयर में एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको मालूम होना चाहिए और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम होना चाहिए और साइन आई और साइन आर की वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए, जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, गॉट दैट। अच्छा अब मैं एक चीज और बता रहा हूं, क्या कि क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैं ये भी लिख रहा हूं एन इज इक्वल टू एन टू वन, बाकी मैं बता चुका हूं नोट कर लीजिएगा। अब सेकेंड थिंग जो बताने जा रहा हूं, जैसे कि क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। देखिए भाई मैंने कहा रिफ्रैक्शन कब होता है, जब मीडियम बदलते हैं, मीडियम बदलने का मतलब डेंसिटी बदलती है और डेंसिटी बदलने का मतलब स्पीड बदलती है, तो इसका मतलब फर्स्ट मीडियम में स्पीड कुछ होगी, सेकेंड मीडियम में स्पीड कुछ होगी, हमने ले लिया इसको एयर और सेकेंड मीडियम को ग्लास दे लिया, तो यहां पे स्पीड क्या है वी वन और यहां पे स्पीड क्या है वी टू। ठीक है, तो और क्या बताया गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन
मीडियम, यानी n इज इक्वल टू v1 बाई v2। अब इसको क्या लिखा था मैंने, n टू 1, यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। और इसको क्या लिख सकते हो, n ga, यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, और 1 क्या है, एयर, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, यानी मीडियम ग्लास। बदल दें, देखिए, इज इक्वल टू वी ए अपॉन वी जी, मतलब वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास। और एक और चीज सुनिए, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज व्हाट, इट इज डिनोटेड बाय सी। तो इसको हम लिख सकते हैं सी, अगर एयर है तो लाइट की एयर बाय स्पीड को सी से डिनोट करते हैं ना, और ग्लास वाली को वी ले लें तो हम कह सकते हैं कि एन इज इक्वल टू सी बाय वी, राइट, यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब 1 से 2 में जा रही है तो v1 बाई v2, ये तो एयर ग्लास हो गया, जिस मीडियम से जिस मीडियम में जा रही है उन दोनों की वेलोसिटी का रेशियो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहां पे वाटर हो यहां पे ग्लास हो कुछ भी हो, ये कॉन्सेप्ट लगना है 1 से 2। हाँ, इंपॉर्टेंट है कि लाइट 1 से 2 मीडियम में जा रही है, दैट्स इट। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। अब एक एग्जाम्पल देखिए कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना है, सी कितना है, 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड, और ग्लास में कितना है, 2 × 10^8 मीटर पर सेकेंड, वी इज इक्वल टू, ये हमने पिछले लेक्चर में बताया था। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला व्हाट इट विल बी, 3 × 10^8 डिवाइडेड बाई 2 × 10^8, 1.5, यानी एन जी ए इज इक्वल टू 1.5। ये कैंसिल हो जाएगा, यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना हो गया, 1.5। और अगर आप कहते हैं यूनिट क्या है, तो क्योंकि ये रेशियो है सेम क्वांटिटी का, आई और आर एंगल का रेशियो है या स्पीड का रेशियो है, इसलिए ये यूनिट लेस क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, 1.5, क्लियर। और ऐसे ही अगर हम आपको बता दें कि देखिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो दिस इज 1.33, दिस इज योर 1.33। ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है एयर के रिस्पेक्ट में, 1.5, और वाटर का कितना है, 1.33। तो आज मैंने अभी क्या बताया, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन सिंपल, ऑल थ्री इंसिडेंट रे, रिफ्रेक्टेड रे एंड नॉर्मल मीट इन द आर इन द सेम प्लेन, और सेकंड क्या है, द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन ऑफ रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन इज कॉन्स्टेंट, एंड दिस कॉन्स्टेंट इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। अब इसके बाद मैंने रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बताया, तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर, और मैंने स्पीड के टर्म में भी बताया कि इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, क्योंकि लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, अगर 2 से 1 में आएगी, ध्यान रखो अगर लाइट यहां से यहां आ रही तो हम v2 बाय v1 कह देंगे, राइट, उस समय क्या होगा, v2 बाय v1, यानी जहां से जहां जाएगी उस मीडियम से अगले मीडियम की इस अगले मीडियम में लाइट की स्पीड का रेशियो है, दैट्स इट। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर मेरा यहीं पे खत्म, इसको आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और वीडियो को पॉज कर करके नोट कर लीजिएगा, दैट इज सफिशियंट फॉर टुडे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।